खास करके आपको मैं संदेश देना चाहूँगा, सरेकला विधानसभा कई वर्षों से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतते आया है और वो आगे भी जीतेगा, ये हमको विश्वास है। जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा और जो उत्साह देखने को मिल रहा, निश्चित रूप से आने वाला समय इस विधानसभा में निश्चित रूप से यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन, सरेकला विधानसभा ही नहीं पूरा राज्य में महागठबंधन का सरकार फिर से 2024 में बनने जा रहा है। आप भाजपा में थे, अभी फिर जेएमएम थे, तो अभी आपके क्या मुद्दे होंगे? जो मुद्दा यहाँ जो पहले था उसी मुद्दा को लेकर यहाँ मैदान में है। आदमी व्यक्ति वही है, सिर्फ सिंबल बदला है। जो विगत 30 वर्षों से जो वर्तमान विधायक इस क्षेत्र को जो बेदहाली करके रखा था, यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित थे, वैसे मूलभूत सुविधाओं को निश्चित रूप से गणेश माली का विजय होने के बाद यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के शोषित पीड़ित किसान मजदूरों को, यहाँ की युवा महिलाओं को सम्मान के साथ उसको सही जगह उसको स्थान देने का काम। जो पार्टी में हम वर्तमान में जो थे वही तो आपको बताए ना, व्यक्ति वही है, सिर्फ सिंबल बदला है। जो देखिए हमारे लिए चंपाई सोरेन कोई वो सामने कोई नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं है, ठीक है ना। मेरा टक्कर में चंपाई सोरेन है ये नहीं है। जो मेरा कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, जो जोश और जो जुनून है, और हमारे जो महागठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता 30 वर्षों से यहाँ से अपना पार्टी को जीत सुनिश्चित कराते रहे, आगे भी कराते रहे। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है कि जीत मेरा सुनिश्चित है। जिस तरह हमारे